Abhi, firstly, congratulations. The teaser has done wonders. So much of response, and today the song is released. And how excited are you? Oh God, I am so excited. एक तो हम लोग आज जब ऑफिस में थे क्यूकी के ऑफिस में, ए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू क्यूकी फॉर बिलीविंग इन मी. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू वर्क विद हसनैन, टू वर्क विद अशनूर. दे बोथ सच टैलेंटेड, इनक्रेडिबल पीपल डूइंग वंडरफुल वर्क. एंड हम लोग जब ऑफिस में थे, धीरे धीरे वो टिकर काउंट ऊपर जा रहा था. एंड द मोमेंट वी हिट लाइक 1 million इन 2 hours, like less than 2 hours. So that's amazing, that's incredible. And logo ka pyar hai, the comments have been wonderful, the response has been great. Jab teaser hi launch hua tha and I saw all of the love coming in, mujhe itni zyada khushi hui. As a singer and as a composer, bahut acha lagta hai ki gana itne pyar se logon ne receive kiya hai. And already TikTok pe kuch videos dekh ke aayi hu main, so yay. Exciting. मैं जब नेचुरली गाना लिखती हूँ ना, मेरे को एक्चुअली सैड सॉन्ग्स पसंद हैं, तो मैं नेचुरली जब लिखती हूँ तो वो एक दर्दे दिल वैसा वाला वाइब मेरे को बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि मुझे लगता है कि एक कुछ सोल के साथ कनेक्ट करना चाहिए, कुछ होना चाहिए कि आप अगर गाड़ी में भी जाके ड्राइव कर रहे हो तो एक सुकून मिले आपको. और एक कुछ यादें, शायद कॉलेज की यादें, शायद ब्रेकअप, यू नो. एंड ब्रेकअप इज़ स्वीट इन अ वे, क्योंकि जब एक्चुअली प्यार होता है ना तभी दिल टूटता है. एंड दैट फीलिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल. एंड आई थिंक मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं उस फीलिंग को कैप्चर करूँ एक गाने में. बट आई वॉन्ट टू कीप इट यंग, आई वॉन्ट टू कीप इट फ्रेश. तो इसीलिए इसको बैलेड तो नहीं कह सकती मैं, एक थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाइब दिया है. सो यू कैन रियली ग्रूव टू इट एज वेल एंड यू कैन सिंग अलॉन्ग टू इट. एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द प्रोसेस फॉर मी. जी कि ट्रेंडिंग में जाएगा एक्चुअली नहीं, मैंने जब लिखा था तो हम इतना नहीं सोचते गाने के बारे में. क्योंकि वैसे सोच के लिखो ना कि हिट बनाना है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है अपने ऊपर. मेरा ये ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक अच्छा गाना बनाऊं. एंड द वे इट हैज़ बीन रिसीव्ड, इट फेल्ट लाइक मेरे दिल से जो मैंने मतलब जो कॉम्पोजिशन मेरे दिल में आई वो शायद लोगों के दिल तक पहुंची है. एंड दैट फीलिंग फॉर मी वाज रियली स्पेशल. सो आई डोंट रियली थिंक कि अच्छा हिट बनाना है. आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर मैं अपने सोल को एक्सपोज करके कुछ कुछ कंपोज करूं तो शायद किसी और के सोल तक वो आवाज़ या मेरी आवाज़ पहुँचेगी. यार तू मैनु भूल गया तू क्यों दिल तुझको सोचे, तू नहीं आया मिलने मेरे तो रह गई बस मैं रोके. वे झूठ तेरी सी हर गल बनती रही मैं पागल. यार तू मैनु भूल गया जो तेनु इन्ना प्यार मैं कर दी, मेरी गलती हद से ज्यादा तेरे उत्ते मर दी, मेरी गलती है मेरी गलती. तेनु इन्ना प्यार मैं कर दी. ओ माय गॉड, बहुत हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया. दुबई में एक तो ये गाना थे, हम लोग कड़ी धूप थी, मतलब आई थिंक इट वाज 45 डिग्रीज. और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा है तो आपको अगर याद है तो मैं वो रेत के ऊपर खड़ी हूँ और मैंने इतने
high heels पहने थे like 5 inches and the heels were digging into the sand and मतलब the sun is on my face and मेरी आँखें ऐसे छोटी छोटी हो रही हैं. मैं रामजी पाजी को यही कह रही थी कि सर मैं मतलब लगूंगी कैसे कैमरा पे क्योंकि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा. वो इतना धुंधला धुंधला हो गया था सब. बट वी डिड इट एंड इवन हसनैन का एक जो शॉट है वो जहाँ पे एंड में जाके अपने घुटने टेक के मतलब माफ़ी मांगता है स्नूर से, वहाँ पे मतलब उसके घुटने लिटरली जल गए थे. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट लेटर कि इतनी मेहनत की हम लोगों ने. इट जस्ट व्हेन वी सॉ द वीडियो वी वर लाइक वाओ इट लुक्स नाइस. ऑल ऑफ अस वर वेरी प्राउड. हमें गर्व हुआ कि साथ में कोलैबोरेट करके हमने प्यारा सा वीडियो बनाया. एंड होपफुली दिस 1 million बिकम्स 10 million एंड देन 50 million. वी विल बी वेरी एक्साइटेड. आप लोग शायद मतलब जानते नहीं हो पर मैं स्टेज पे मतलब आई डू अ लॉट ऑफ लाइव शोज. तो स्टेज पे मैं बिल्कुल अलग काइंड ऑफ अवतार हूँ. मैं पागल हूँ, क्रेजी हूँ, मतलब कूद कूद के डांस करती हूँ. तो माई पर्सनैलिटी इज़ दैट. बट जब मैं एज अ सिंगर सॉन्ग राइटर आती हूँ तो मैं ऐसे सैड सॉन्ग्स लिखती हूँ. पर मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि मेरा अगला गाना कम्बाइंस बोथ ऑफ देम. सो कहीं सोल और कहीं कहीं डांस, मतलब वो एलिमेंट अगर मैं एक गाने पे काम चल रहा है मेरा, अगर वो दोनों एलिमेंट साथ में आ गए तो इट बी लाइक द परफेक्ट पैकेज. मतलब आप लोगों को बिल्कुल मैं जैसी हूँ एज एन आर्टिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा. एंड दैट इज़ होपफुली समथिंग दैट आई एम गोना ट्राई विद माई नेक्स्ट सॉन्ग. सो वी गोना से इट्स गोना बी लाइक अ डांस सोल डांसी वाला वाइब. क्योंकि एक परिवार की तरह है. समीर बंगारा जो हेड हैं क्योंकि के, ही वॉज द फर्स्ट वन हु सॉर्ट ऑफ स्पोक टू मी कि अंबिली अब मतलब कुछ बड़ा करना है, कुछ तगड़ा गाना बनाना है. एंड दैट्स वेयर द प्रोसेस स्टार्टेड. एंड सागर जो COO हैं उन मतलब ही इज़ बीन लाइक अ मेंटोर टू मी. जब से मैंने गाना लिखा राइट फ्रॉम द स्टार्ट, पहला उसको स्क्रैच बोलते हैं, पहला जो वर्जन होता है गाने का, बस ऐसे कभी कभी फ़ोन पे रिकॉर्ड करके एक बेसिक वर्जन बनता है, वहाँ से लेकर अभी तक हर चीज़ पे दे हैव बीन सपोर्टिव, दे बीन इनक्रेडिबल. हसनैन इज़ ऑल्सो अ क्यूकी आर्टिस्ट. तो आई एम वेरी ग्लैड कि हसनैन एंड आई कुड कोलैबोरेट एंड डू दिस. एंड फिर अश्नूर केम इनटू द पिक्चर. And I'm so grateful that Ramji Paji directed all of us. क्योंकि वो हैं, उनके videos इतने अच्छे बनते हैं. And they're very cool and they're very young. And हमारा target audience वही था कि we wanted to target 16 to 22 year olds. And he's absolutely been able to do that. और उनकी love story इतनी cute है. Chemistry between both of them is really really adorable. So I think everything is just falling into place. Thanks to Kyuki, thanks to Ramji Paji and all of us working together. It's been a fabulous experience, like just amazing. Thank you. Thank you so much.